हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्पार्टेनियम 1M। तो आज जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ हिप हॉप स्किन केयर का क्लिनजिंग चारकोल नोज़ स्ट्रिप्स। हम लोगों की जो नोज़ होती है उस पर आप लोग के काले काले धब्बे पड़ जाते होंगे, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं, और ऑयल एंड डर्ट जो चिकनाहट रहती है और धूल जम जाती है उसे रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है और काफ़ी कारगर होता है ये हिप हॉप स्किन केयर का क्लिनजिंग चारकोल नोज़ स्ट्रिप। इसका मैं यूज़ आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कि कैसा इसका रिज़ल्ट रहता है। आप लोग देखें मेरी जो अभी नोज़ है उस पर, आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे काले काले आपको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स भी दिख रहे होंगे। ये अभी मैं इस नोज़ स्ट्रिप को यूज़ करूँगा और उसके बाद मैं दिखाऊँगा कि मेरे ब्लैक हेड्स और जो गंदगी आपको डर्ट और ऑयल वगैरह दिखेगा वो स्ट्रिप में मैं आपको जूम करके दिखाऊँगा कि ये कितना काम करती है। उसके बाद मेरी नोज़ आप देखिएगा कि वो काफ़ी ब्राइट हो जाएगी और ग्लो उस पर आ रहा होगा। तो इसे यूज़ करने का जो तरीका होता है वो होता है कि पहले जो अपने जिस एरिया पे आपको ये नोज़ स्ट्रिप यूज़ करनी है उस पर आप पहले वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी लीजिएगा, ज़्यादा गर्म पानी मत लीजिएगा जो आपके स्किन को हार्म करे, थोड़ा सा वार्म वाटर लेके उसे अपनी नोज़ पे यहाँ पे लगा लीजिएगा जहाँ आपको स्ट्रिप लगानी है। उसके बाद इस स्ट्रिप को लगाइएगा, कम से कम आपको 10 मिनट तक इस स्ट्रिप को लगाना होगा। 10 मिनट बाद जब आप रिमूव करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी जो नाक की गंदगी होगी, ब्लैक हेड्स वगैरह, वाइट हेड्स वगैरह और ऑयल एंड डर्ट, वो उस पर चिपके हुए होंगे और आप लोगों को दिखेंगे। और उसके बाद आप अपनी नाक देखिएगा, नोज़ देखिएगा, तो उसमें काफ़ी क्लिनजीनेस होगी। और ये जो है पैकेट हिप हॉप स्किन केयर का, ये इसकी MRP की अगर मैं बात करूँ तो ये है 90 रुपीज़ की, जिसमें 3 स्ट्रिप्स निकलती हैं। जी हाँ, 3 स्ट्रिप्स निकलती हैं। मैं इसे खोल के आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रिप कैसी होती है, उसका कवर कैसा होता है। तो कुछ ऐसा एक कवर निकलेगा, 3 कवर निकलेंगे ऐसे। ये ब्लैक हेड रिमूव करता है, वाइट हेड रिमूव करता है, ऑयल एंड डर्ट, और फ्रेश एंड क्लीन लुक देता है। इसे यूज़ करने के बाद आप फ्रेश एंड क्लीन लुक देखेंगे अपनी नोज़ पर। तो इसे यूज़ करने का तरीका कैसा है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसे कैसे यूज़ करना है। पहले वार्म वाटर लीजिएगा, हल्का सा गर्म पानी लीजिएगा, ज़्यादा गर्म पानी मत ले लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसे अच्छे से अपनी नाक पे जहाँ पे आपको ये लगाना है, उसके बाद इसे पील खोलिए। आसानी से खुल जाता है, ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ऐसी नोज़ स्ट्रिप इसमें से निकलेगी ब्लैक कलर की। इसे इस पे से डालिए, कवर होता है। और कैसे लगाना है वो ध्यान से देखिएगा। इसे यहाँ से पहले दबाइएगा ऊपर से, उसके बाद हल्के हल्के दोनों साइड से दबाते चल जाइएगा, खूब अच्छे से वो इसे कर लिएगा। तो ये मैंने लगा लिया, इसे मुझे 10 मिनट तक लगा के रखना है। 10 मिनट बाद जो भी मेरे ब्लैक हेड्स होंगे, वाइट हेड्स होंगे और ऑयल एंड डर्ट होगा वो ये अपने अंदर सोक कर लेगा। और कम से कम हफ्ते में एक बार, महीने में 4 बार इसका यूज़ करना चाहिए, तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा आपकी नोज़ पर। और इन लोगों ने कुछ प्रिकॉशंस भी दे रखे हैं जो आप लोग पढ़ लिएगा, और ये प्रिकॉशंस काफ़ी सही दे रखा है इन लोगों ने कि यूज़ अ स्ट्रिप इमिडिएटली आफ्टर ओपनिंग द सैशे। सैशे से जब स्ट्रिप को निकाल दें तो उसके फ़ौरन बाद आप लोगों को यूज़ करना, ये नहीं कि सैशे से निकाल के रख दें कि हम बाद में यूज़ कर लेंगे, एक साथ किसी बॉक्स में रख दी कि हमने निकाल लिया और बाद में यूज़ करना है, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। फॉर यूज़ ऑन नोज़ ओनली, सिर्फ नाक पे यूज़ करनी है, नॉट टू बी यूज्ड ऑन इरीटेटेड स्किन। अगर आप लोगों की स्किन जो है वो इरीटेटेड है तो उस पर बिल्कुल यूज़ मत करिए, जैसे कहीं कट लगा हुआ है या कोई चोट का निशान है तो नाक पे तो आप यूज़ मत करिएगा। जब आपकी नाक पे कोई चोट का निशान या कोई आपकी सेंसिटिव स्किन वगैरह ना हो तो इसे यूज़ करिएगा।
स्किन शुड बी फ्री ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बिफोर एप्लीकेशन डिपेंडिंग ऑन ह्यूमिडिटी एंड परस्पिरेशन स्ट्रिप में टेक लॉन्गर टू गेट स्ट्रिप। अगर जैसे लड़की हैं वगैरह या हम क्रीम लगा लेते हैं या मेकअप कर लेते हैं तो उस पर यूज़ नहीं करना, पहले आप लोगों को सिंपल पहले नोज स्ट्रिप यूज़ करनी है, उसके बाद कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर जो भी लगाना हो वो यूज़ करिएगा। पहले सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी नोज पर ये स्ट्रिप यूज़ करनी है, उसके बाद कुछ भी क्रीम लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है या कोई मेकअप वगैरह जो भी आपको करना है उसके बाद करिएगा। इफ़ द स्ट्रिप कम्स इन टू कॉन्टैक्ट विद आइस, रिंस विद क्लीन वार्म वाटर। और अगर गलती से ये नोज स्ट्रिप आपकी आंखों में लग जाती है तो गर्म पानी से फौरन धोएं उसे आंखों को। इन द रेयर केस डेट यू सफर फ्रॉम एन एडजर्व रिएक्शन टू द स्ट्रिप, डिसकंटिन्यू यूज़ एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, कीप आउट ऑफ रीच चिल्ड्रन। और बच्चों से भी इसे दूर रखें, बच्चों के खेलने की कोई चीज़ नहीं है, बच्चे इसे इस्तेमाल ना करें क्योंकि बच्चों की स्किन ऐसी नहीं होती कि उनकी स्किन पे हम नोज़ स्ट्रिप यूज़ करें, ये गलती से भी ना करें और बच्चों की पहुंच से ये बहुत दूर रखें। तो 10 मिनट इसे लगा के रखना है, अभी सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट हुए हैं, तो 10 मिनट बाद मैं इसे हटा के आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या रिज़ल्ट रहता है इसका। और उसके बाद नाक में आपको दिखाऊंगा, अपनी नोज़ दिखाऊंगा कि पहले मैंने आपको दिखाई थी तो आपको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स एंड ऑयल एंड डस्ट सब दिखा होगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा जब मैं इसे रिमूव कर लूँगा नोज़ स्ट्रिप को, तो मेरी जो नोज़ होगी वो आप लोग देख सकते हैं कितनी क्लीन आपको दिखेगी। और हिप हॉप नोज़ स्ट्रिप जो है वो हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए वो भी आप लोग सुन लें। ईजी इफेक्टिव एंड पेनलेस क्लिनजिंग ऑफ नोज़, बहुत ही आसान होता है और पेनफुल नहीं होता है और हमारी जो नाक है वो साफ़ हो जाती है। क्लिनजिंग ऑफ नोज़ जो हम लोग अपनी नोज़ क्लीन करना चाहते हैं ऊपर से, वो बगैर किसी इरीटेशन बगैर किसी पेन के बहुत आसानी से ये रिमूव हो जाता है। कोई ये नहीं होता कि इसे हटाने के, जब हम लोग हटाते हैं तो हमारी स्किन पर दर्द हो रहा है, एक दर्द महसूस होता है, कोई हम पैक वगैरह हटाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। चारकोल इनेबल स्ट्रिप्स, और ये जो ब्लैक दिख रहा था ये चारकोल था, चारकोल इनेबल स्ट्रिप। हमारी जो नोज़ की गंदगी होती है वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स, उन्हें अपने अंदर सोक करता है, ये चारकोल होता है जो अभी आप लोग ब्लैक स्ट्रिप देख रहे थे। इमीडिएट रिजल्ट, बहुत ही जल्दी इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है, मुश्किल से 10 मिनट में हमारी नोज़ साफ़ हो जा रही है, इससे ज़्यादा और जल्दी क्या होगी। अनक्लॉक्स योर पोर्स, पोर्स को भी अनक्लॉक्स करता है ये। फ्रेश एंड ग्लोइंग स्किन, उसके इसे रिमूव करने के बाद एक फ्रेश स्किन दिखेगी आपको नोज़ एरिया की, और वो इसका वो जो नोज़ एरिया होगा वो ग्लोइंग भी कर रहा होगा। ट्रैवल फ्रेंडली, आराम से किसी भी कहीं भी आप लोग जा रहे हैं इसे अपने बैग में डाल सकते हैं, या अगर आप लोग कहीं शादी वगैरह में जा रहे हैं वहाँ पे आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रुक रहे हैं या कुछ करना है आपको, तो आप अपनी पॉकेट में भी इसका सैशे रख के आराम से जा सकते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली है। सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, और हर स्किन टाइप पे इसे यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, सेंसिटिव स्किन पे थोड़ा सा अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा इसे यूज़ करने से पहले, लेकिन ऑल टाइप ऑफ स्किन इसे यूज़ कर सकते हैं। 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, और 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं। अगर इसकी बात की जाए इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, और नेचुरल एक्सट्रैक्ट से ये बना हुआ होता है। तो अभी 5 मिनट हुए हैं सिर्फ मुझे नोज़ स्ट्रिप लगाए हुए, 5 मिनट और मैं वेट करूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि नोज़ स्ट्रिप हटने के बाद मेरी नोज़ कैसी दिख रही है, मतलब क्या ग्लोइंग आई है, क्या क्लिनजीनेस हुई है, क्या इसका रिज़ल्ट रहता है, वो सब आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को एक बार अगर अपनी नोज़ क्लिनजिंग करनी है तो आप लोग एक बार परचेज़ करें। मैं ऐसे पिछले 1-1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहता है, तो मैं तो इसे लेता हूँ। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों को क्लिनजिंग चारकोल नोज स्ट्रिप ही लेनी है तो हिप हॉप स्किन केयर की ही लें। ऑनलाइन लिंक भी मैं डाल दूंगा जहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, नायका हो गया, या जहाँ से भी अगर आप बाहर निकलें तो भी आपको आसानी से ये किसी भी जनरल स्टोर वगैरह में आप लोग परचेज़ कर सकते हैं और ले सकते हैं। अमेज़ॉन वगैरह हो गया, इन पे आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल सकता है, तो डिस्काउंट भी अगर लेनी है तो ऑनलाइन शॉपिंग करें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों 10 मिनट मुझे हो चुके हैं इसे लगाए हुए, अब मैं आपको इसे रिमूव करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरे नाक से कितनी, नोज़ से कितनी गंदगी और कितने वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एंड ऑयल एंड डर्ट निकला है, वो आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा इसे पास लाके। तो अब कुछ नहीं करना है, आराम से इसे रिमूव करना है सिर्फ अपनी नोज़ से। तो पहले तो मैं ये स्ट्रिप दिखा दूँ कि कितनी गंदगी ये खींच के लाई है, देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैं अपनी नोज़ दिखाता हूँ, पहले आप लोगों ने देखी थी, अब देखिए ये एरिया, ठीक है।
अभी मैं जो क्रीम यूज़ करता हूँ वो मैं क्रीम यूज़ करके दिखाऊंगा। ये चारकोल का कुछ रह गया है जिस वजह से, और गंदगी नाक मेरी दिख रही होगी, नोज़ मेरी गंदी दिख रही होगी। तो मैं जो क्रीम यूज़ करता हूँ, आप लोग कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर यूज़ करना है। जो भी गंदगी थी वो मैंने आपको इस ट्रिप पे दिखाया कि कैसी गंदगी इसने निकाली है। ऑयल डर्ट हो गई और वाइट हेड्स हो गए एंड ब्लैक हेड्स हो गए। अब मैं जो अगली स्ट्रिप यूज़ करूँगा वो एक हफ्ते बाद करूँगा। ऐसी और प्रोडक्ट्स की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको। जो भी मैं प्रोडक्ट्स की वीडियो बना रहा हूँ वो आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में अपनी राय दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।